सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आज डे टू है हमारा, एंड वैसे तो डे थर्ड है बट ट्रिप का डे टू है क्योंकि एक दिन हम रात को निकले थे तो अब ये पहाड़ों में और 5 बजे के उठ गए हैं एंड अब सब रेडी हो रहे हैं। फिर उसके बाद हम अपना यहाँ से निकलते हैं, ट्रिप चालू करते हैं। वैसे यहाँ पे काफ़ी अच्छा वो है वेदर, सुबह सुबह ठंड हुआ, मतलब ठंडा वेदर है एंड बढ़िया है। सो गाइस सबसे मस्त चीज़ दिखाऊँ यहाँ पे मैं आपको पहाड़ों के, देखो ये जो सनराइज़ हो रहा है सुबह सुबह 6 बजते हैं एंड जो ये राइज़ हो रहा है कितना मस्त लग रहा है, एकदम पीसफुल। ये तो अभी मेरे यहाँ पे आके सारा वो है जंगल सा, मैं जा नहीं सकता और आगे मैं अपने होटल से थोड़ा सा आगे आ गया, मतलब जो ये निकल रहा है लाइक सीरियसली काफ़ी पीसफुल है। नेचर की लाइक आवाज़ आपको आ रही होगी, मैं अगर कुछ बोलूँगा नहीं ना तो आप ध्यान से सुनो। A few moments later. So सुबह सुबह पहाड़ों में आलू के परांठे सबके लगे हुए हैं एंड बस खा के निकलते हैं, लेट हो रहे हैं तो अब आपको मिलते हैं आगे। सो अब गोलू अपनी बाइक साफ कर रहा है एंड मैंने अपनी स्कूटी पूरी साफ कर दी एकदम, वापस चमक रही है। बस निकलते हैं, हम सबके अपने बैग बन जाए, आलू के परांठे हमने खा लिए हैं, बस निकलने की तैयारी है तो लेट्स गो। स्कूटी में रख दिया, मैं ये साथ में ना थोड़ी एक्स्ट्रा ली हुई है क्योंकि वैसे तो ये फुल है बट फिर भी एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है। ये आधे से ज़्यादा झूठ बोलता बंदा जो वीडियो बना रहा है। बोल दिया क्या झूठ बोल रहे थे? ये जो कि हम बाइक कपड़ा मार रहे हैं, बता 10-10 रुपए में साफ करता तू, बता दे क्यों। तो भाई जब हम जोशी मठ के लिए निकल गए हैं, अब बीच में शायद हम कोई ब्रूर गंगा है कुछ वहाँ पे नहाएंगे कह रहे हैं। तो बस ब्लॉग चालू करते हैं, तो आज का हमारा डे टू है और ये गोलू और मोंटी खड़े हैं यहाँ पे। तुम लोग फोटो खींच रहे हो? फोटो खींच रहे मैं नदी वदी लगाई थोड़ी देख ली कि बंदा बना लिया होगा बूमर रंग कोई तुम्हारे, और क्या काम है, दिखा दियो कैसे बनाई है। वो आगे से वीडियो बना दियो, आगे से वीडियो। तो इनका यही काम है गाइस, इनके ये ना मुझे आगे चले जाते हैं पहले और जाके रुक के वीडियो चालू कर लेंगे अपनी, फिर अपना निकलते हैं ये लोग। एंड यहाँ पे काम चल रहा है पूरा, काफ़ी आराम से स्कूटी निकालनी है थोड़ा सा। हाँ ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे ही रोडों पे ना काफ़ी मुश्किल है स्कूटी चलानी क्योंकि ऑफ रोडिंग टाइप है। ये पहाड़ देख रहे हो इतने पास से कैसे लग रहे हैं, मतलब बिल्कुल वो है पास हमारे बद्रीनाथ है, यहाँ से 126 और की बात है काफ़ी भी रोड है, ये उनको बताऊंगा गोलू वालों को। हेमकुट साहब गले रोड यही है, मे बी हम गलत आ गए हैं, पीछे पुलिस वालों से पूछते हैं उनको बताऊंगा। सर हेमकुट साहब गले रोड कौन सी है, नीचे वाली? अरे सर बोर्ड पे कंफ्यूजन हो जाती है ना। अच्छा ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे पूरे सारे हेल्प कर लेते हैं, बल्कि और ज़्यादा रिप्लाई देते हैं यहाँ पे। तो
ਗਈ ਕੱਚੀ ਖਿੱਚੀ ਪਲੱਸ ਇਸ ਸਾਈਡ ਖਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਰੋਡ ਦੇ ਕੰਮ ਕੈਸੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਯੇ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਬੜੀ ਡੇਂਜਰ ਸੀ ਹੈ ਕਸਮ ਸੇ ਇਤਨੀ मैं नहा लिया गुडूड़ गंगा थी वैसे ये काफ़ी अच्छा था एंड अब चलते अपना चलते हैं एंड अब हमें 40 किलोमीटर चलानी है जो टाइमर चालू तो हो गया मतलब वही लग जाएगा ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाएंगे और यहाँ पे अब रोड जो आएंगी काफ़ी वो हैं यहाँ से ना मतलब सीधा खुली रोड आ जाएगी देखो वहाँ पे और सामने जो व्यू आ रहा है आपको दिख रहा होगा फ़ोन में बट जो रियल में दिख रहा है ना ये देखो अब ये जैसे ये देखो सामने एग्जांपल ही आ गया अब ये पहाड़ ने रास्ता ब्लॉक कर दिया नहीं तो ये काफ़ी थोड़ी चौड़ी रोड थी तो ऐसे ही होता है यहाँ पे जब रास्ते बंद हो जाते हैं एक फुट साहब के तो ये सब कुछ ही है नेचर के वो रूप रंग बाकी काफ़ी खूबसूरत लग रही है आप देखो ध्यान से वीडियो में ऐसी जगह पे रुकना नहीं चाहिए क्योंकि कभी भी ऊपर से कोई भी पत्थर आ सकता है तो अपनी साइड लेके आराम आराम से धीरे धीरे निकाल दो बस गाड़ी वालों को तो चलो फिर भी वो गाड़ी के अंदर रहें क्योंकि कल ऐसे ही हुआ था कल मैं ब्लॉग बना नहीं रहा था उस वक्त बट पीछे मेरे जो फ्रेंड्स आ रहे थे उनके साथ कल जब हवा तेज़ लगी तो ऊपर से पत्थर आ रहे थे तो उन्होंने वेट किया एंड देन उसके बाद हमने एकदम स्पीड से निकाल ली वहाँ से तो ऐसी जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए बाकी हाँ जहाँ पर है कि सेफ है वहाँ पे तुम रुको बट ऐसी जगह पे नहीं वैसे लंगर की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर आप यहाँ पे किसी रेस्टोरेंट वगैरह में खाओ तो मैं प्रेफर सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल इतना अच्छा नहीं होता बट हाँ ठीक है उससे काफ़ी गुना लाइक काफ़ी अच्छा लंगर होता है यहाँ पे अब यहाँ पे सब अपनी बाइकों में पेट्रोल डलवा रहे हैं क्योंकि इसके बाद कोई पेट्रोल पम्प आएगा नहीं लास्ट है एंड मैंने डलवाया हुआ पहले ही बाकी मेरे साथ में भी है 2 लीटर का जैसे मैंने आपको पहले बताया तो मेरी काफ़ी सेल है तो 20 किलोमीटर यह हो जाएगा आखिर डलवा लूँगा कोई इशू नहीं है बाकी स्कूटी काफ़ी सही चल रही है अभी तक एंड हवा देख लेते हैं
हाँ हवा थोड़ी बहुत कम हुई है सीरियसली बताऊँ तो, क्योंकि काफ़ी ऑफ रोडिंग हुई है ना, एंड टायर एकदम सही है अपनी जगह, देखो काफ़ी गंदे भी हुए हैं, मतलब घर जाते इसकी सर्विस पक्की है, अभी सर्विस करा के आया था, अब इसकी फिर सर्विस करवाऊँगा एकदम। बाकी बस यहाँ पे जो रोड्स हैं, इन रोडों से प्यार ही हो गया कसम से, इतनी मस्त रोड है ना ये। अब बस चलते हैं आगे, मिलते हैं आपको गोविंद घाट में जाके, मिलते हैं अब सीधा। A few moments later. तो ये हमारा बैगमैन है जिसके बैगमैन जिसके हमने पूरे देखो चारों तरफ बैग टांग दिए हैं, और ये एक और बैग है हमारा वो भी टांग दिया, तो ये हमारा बैगमैन बन गया। अब से दिखाइए बैगमैन की शक्ल, दिखा दो एक बार। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ये कल पुल से हमने जाना तो हम इस पे आ गए, वैसे यहाँ पे आना मना है, बट यहाँ पे जो मैम थी ये पुल हिलता है, ये हिल रहा है, उन्होंने अलाउ कर दिया हमें, तो हम आ गए हैं। एंड वो हमारी स्कूटी खड़ी, ये हमारी बुलेट खड़ी, और ये हमारी दूसरी बाइक खड़ी, वो पल्सर खड़ी है। तो बस A few moments later. वो यहाँ पे रूल है, मतलब गेट को ताला मार के चाबी नहीं देते, चाबी मतलब कि तो वो लेके चले जाते, ताला नहीं मार देते। हमारे यहाँ पे बंदा सो रहा है और हम सब जा रहे हैं, ठीक है। अब बंदा दिखाते एक बार, देखो यार ये अपने बैग खौफ के लिए, बस लोगों के खौफ के लिए हमने ऐसे, अरे ये क्या चौड़ाई कम हो गई, बंदे को जोड़िए थोड़ा थोड़ा तो ये हमारा बंदा सो रहा है, रूम हमारा खाली है। ये फोन किसका है? मेरा है। तो बस ये बिल्कुल सीधी सीधी चढ़ाई है जो हम सिर्फ क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं सिर्फ हम हेलीकॉप्टर के लिए, सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर देखने के लिए। तो एकदम मतलब वहाँ नीचे से ऊपर आए हम सिर्फ हेलीकॉप्टर देखने, आपको भी दिखाते हैं आगे चले। A few moments later. इतनी मुश्किल से चढ़ाई चढ़ के आए और यहाँ पे हमें हेलीकॉप्टर भी नहीं देखने को मिला, सबके यहाँ पे मुंह बने हुए हैं, एक से एक दिखाता हूँ। हम हेलीकॉप्टर देख के जा रहे हैं, काफ़ी तेज़ बारिश हो गई है, प्लस हम लोग पूरा भीग रहे हैं, और हमारा यहाँ पे आना काफ़ी ख़राब सीन हो गया, बहुत तेज़ बारिश हो गई है, देखो आपको वास्ते पता लग रहा होगा, पूरी रोड।